दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में। अगर आप अपना या अपने बच्चे का या अपने किसी भी फैमिली मेंबर का आधार कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, अपना आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको आधार कार्ड अप्लाई करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना आधार कार्ड अप्लाई करना है, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको ये सारे पॉइंट मैं आज इस वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राजीव, आप देख रहे हैं टेक्निकल राजीव राठौर। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप देख सकें और आप भी अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नंबर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ आधार कार्ड से रिलेटेड जानकारी आपको ये होनी ही चाहिए, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको पहले से पता हो और हो सकता है आपको ना पता हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपके आधार कार्ड में दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर सिर्फ आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं। सेकंड टाइम आपको चेंज करने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक व्यूवर्स हैं, जिनको अभी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपना आधार कार्ड अप्लाई करें तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर करें, जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर बार बार चेंज नहीं हो सकता है, ये रूल है। इसके बाद आता है दोस्तों, जब आप अपना आधार कार्ड अप्लाई करें तो आपका जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है वही ऐड कराएं, जो आप लॉन्ग टाइम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपको अपने आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस कराने हैं या कुछ भी करना है तो आपको उस मोबाइल नंबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है दोस्तों, जब आप अपना आधार कार्ड अप्लाई कर देते हैं आधार कार्ड सेंटर में जाकर, तो पूरा फॉर्म फिल होने के बाद आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि दोस्त एक बार मेरे को अपना कंप्यूटर घुमाकर दिखा दीजिए, मैं अपना फॉर्म को चेक कर लेता हूँ कि उसमें जो हमने डिटेल फिल की है वो सही है या नहीं। और आपको उसमें एक बार देख लेना है कि आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी करेक्ट फिल की हुई है या नहीं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा वहाँ पर वो लोग इतनी जल्दी करते हैं कि आपके जेंडर या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो मिस्टेक कर ही देते हैं, या आपके मोबाइल नंबर में। उसके बाद आपको क्या है, बार बार आधार कार्ड के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप अगर अपना आधार कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों मैं अपने एक वीडियो में देख रहा हूँ कि बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम हो रही है आधार कार्ड से रिलेटेड करेक्शन करवाने में। क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड में करेक्शन तो हो जाते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ऑनलाइन करेक्शन हो जाते हैं, जैसे आपका एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉब्लम कहाँ है कि सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एक ही बार चेंज हो सकता है। सेकंड टाइम आपको चेंज कराने के लिए ऑनलाइन कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा वीडियो यूट्यूब पर बता रहा है तो वो 100% गलत है, वो बिल्कुल वर्किंग नहीं है। सिर्फ आप वन टाइम खुद से अपना जेंडर और डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड सेंटर वाला भी आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करेगा, आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।